नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति द्वारा अपना मकान किसी अन्य को बेचने के लिए चल रही आपसी सौदेबाजी से परेशान मोहल्ले वासियों ने बैठक कर उक्त मकान का सौदा न करने की मांग के चलते विरोध व्यक्त किया। आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला साकेत कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति का मकान बिका हुआ है। चर्चा है कि मकान स्वामी की उक्त मकान को बेचने हेतु अलग समुदाय के व्यक्ति से बात चल रही है। जब इसकी भनक मोहल्ले वासियों को लगी तो उन्होंने इस पर नाराज जाहिर की और इस संदर्भ में आज दोपहर के वक्त मोहल्ले वासियों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें हिंदू संगठन के लोग भी शामिल हुए। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और मांग रखी गई कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा मकान के सौदे को लेकर चल रही बातचीत को तुरंत विराम दिया जाए। इस संबंध में व्यापारी नेता व मोहल्ले वासी राकेश त्यागी ने कहा कि हिंदूवादी बस्ती में अलग समुदाय के द्वारा मकान खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा पैसे देने का लालच देकर मकान खरीदा जा रहा है, जिससे उन्हें शक है कि उस व्यक्ति को विदेशी फंडिंग हो रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस दौरान राकेश त्यागी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस बस्ती में अलग समुदाय के व्यक्ति द्वारा मकान खरीदा जाता है तो वह आत्मदाह कर लेंगे। कुछ लोग जो हैं शक पैदा करते हैं कि वो मान लिया दूसरे संप्रदाय के हैं, कोई बात नहीं, हम सबको बराबर मानते हैं, लेकिन एक आदमी हिंदू की बस्ती के भी ये मेरा मकान है, आप देख लो चारों तरफ हिंदू बस्ती है, इसकी आपके सामने मेरा मकान है, ये तीसरा चौथा मेरा मकान है, इसके चारों तरफ हिंदू बस्ती है, आप क्यों इस बस्ती के बीच में मकान खरीदते हैं, चुपचाप मकान खरीदते हैं, यानी आपने पैसा तो ज़्यादा दिया ही होगा उस आदमी को, वो लालच में आया होगा, ने मकान आपको दिया होगा, ज़्यादा पैसा दिया होगा, क्यों आप ले रहे, आपको कम पैसे में मकान निकल सकते, तो शक कहीं ना कहीं मेरे मन में पैदा हुआ। मेरे बच्चों के जीवन का सवाल है भाई साहब, मैंने सारी जीवन पूंजी इस मकान में लगा दी, अब मैं ऐसा भी नहीं कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं दूसरा मकान बना लूँ जाकर, किसी के पास इतना पैसा होता है दूसरा बना लेता, सक्षम लोग है, मैं नहीं हूँ इतना सक्षम, मैंने इसीलिए भाई साहब सबको आज बुलाया है, आप लोगों को भी बुलाया है। अब मेरी पीड़ा ये है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, उसकी जांच हो, उसके पास कोई विदेश फंडिंग, हाँ जी आपने चेतावनी दी, हाँ इसलिए दीजिए उस आदमी की जो यहाँ मकान खरीदता है, एक मीटर रीडर है यहाँ पे, वो लाया था उन्हें, उससे मालूम किया जाए क्षेत्र के मीटर रीडर से कि मंशा क्या है, उससे भेद खुलेगा, उसकी जांच की जाए, सही है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि आतंकवादी घटना ना हो जाए। हाँ, मैंने ये विरोध जताया था कि यहाँ पे जहाँ मेरा मकान है इसके बराबर में चार मकान इधर दाएं और चाहे मकान बाएं मोमडंस के मकान है, बैक सारी मोमडंस से लगी हुई है। अब यहाँ के आदमी अगर कोई अपना संपत्ति बेचना चाहता है अपनी किसी भी परिस्थितियों की वजह से और हिंदू ग्राहक नहीं आता, तो जो ग्राहक आओगा उसी तो बेचेगा। बाकी लोग अगर कोई इस बात पर ऐतराज करते हैं, वे क्यों कर रहे हैं, उनके काम धंधे नहीं हैं, वो भूमाफिया हैं, सस्ती करके खरीदते हैं फिर बेचते हैं, ये उनके उद्देश्य हैं, उनकी सारों की हिस्ट्री शीट उठा कर नेतागिरी और सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। अगर कोई पैसे दे रहा है वो तो उसे बेचेगा जिसका मकान होगा, जो प्रॉपर्टी होगी, या वो फ्री में देकर जा रहा, किसी को फ्री में देकर जा रहा, कोई दानदाता होगा इतना बड़ा, लेकिन मैं नहीं मानता कोई ऐसा फ्री में देने वाला है। ये मीटिंग चल रही है उनकी और वो भाषण दे रहे, वो कह रहे आत्मदाह कह, मैं सुना आत्मदाह कर लेंगे, भाई कोई कहने लगा मैं मोहम्मद धर्म को स्वीकार कर लूँगा, जब क्या करोगे बताओ आप, ये सांप्रदायिकता ही तो फैलाने की बात है, क्या आप इसे बेचो उसे ना बेचो, किसी की प्राइवेट संपत्ति को आप लोग, कोई भी कानून ये नहीं कह सकता किसे बेचे और किसे ना बेचे, जिसका सौदा यहाँ पटेगा वो वहाँ बेचेगा। मैं हाँ मेरी हुई थी जब मैं, क्योंकि अकेला रह रहा हूँ, बच्चा यहाँ नहीं है, वाइफ भी यहाँ नहीं है, होटल में खाना खाता हूँ, भाई मैं गाँव जाऊँ या बच्चे के पास जाऊँ तो मैं यहाँ मकान रख कर क्या करूँगा, तो इन्होंने मुझे कहा 3 महीने में हम तुम्हें ग्राहक दे देंगे, हिंदू भाई ले आइयो, आज 4 महीने से ऊपर हो लिया, आज तक कोई ग्राहक नहीं ला दिया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या, ये तो ये जो मीटिंग कर रहे हैं ये आत्मदाह करके मर लो, कोई किसी के ऊपर कुछ ही कर लो, जिसकी संपत्ति हो जाने का भैया, जो जो अपनी संपत्ति का कुछ कर रहा ये कौन है, उसमें कानून को इन्हें परमिशन दे रहा है, इन्हें यहाँ भाजपा के राज में गुंडा कर दिया, लाइसेंस दे रहा है, भाजपा संगठन में होकर अपने आप को भाजपा की भी वोट खराब कर रहे हैं, तो इनकी ये बात गलत है। जिस आदमी की प्रॉपर्टी है रिक्वेस्ट में कोई भाग इनके पास हो भाई वो ना दे तो इनकी गलत बात है, तो 35 साल यहाँ मेरी दीवार से दीवार मिली हुई कोई दिक्कत नहीं। नगर की साकेत कॉलोनी में सूचना मिली थी कि हमारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में कुछ भी धर्मी जिहादी यहाँ पर मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी हमारे नगर की कई कॉलोनियों में इस तरह का प्रयास वो कर चुके हैं और जहाँ से हिंदू समाज का बड़े स्तर पर पलायन हुआ है, अब ये नहीं होएगा। ये जो इनकी सोची समझी साजिश है जिस पर देश विरोधी ताकतें भी यहाँ पर फंडिंग कर रही है, एक रिक्शा चालक 50-60 लाख रुपए का मकान खरीदने की हैसियत नहीं रख सकता, ये सबको पता है। ऐसे व्यक्तियों पर
इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इसकी प्रशासन को जांच करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ किसी जिहादी और विधर्मी ने घुसने का प्रयास किया तो चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, बक्कल तार दिए जाएंगे, भूस भर दिया जाएगा। अभी खरीद करने का भी कहा गया है कि अगर कोई आख मकान खरीदेगा तो ये मकान की वापस नहीं लेगा। देखिए ये हमारे हिंदू समाज की पीड़ा है, लेकिन इनकी हमारे हिंदू समाज के जो वीर हैं जिन्होंने घोषणा की है वो बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है, हिंदू समाज इतना कमज़ोर नहीं है। तमाम हिंदू संगठन यहाँ आज मौजूद है, एक रणनीति बनाई जाएगी और अगर कोई भी जिहादी विधर्मी हिंदू बस्ती में घुसने का प्रयास करेगा उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, भूस भर दिया जाएगा। नरेंद्र जी, जो राकेश त्यागी जी है जब व्यापार मंडल में है वहाँ सब मुस्लिम साथ रहते हैं इनकी, आज जब मकान खरीद लिया तो उस चीज़ का विरोध क्यों, आज मुस्लिम का विरोध क्यों? देखिए मुस्लिम जहाँ जाते हैं वो एक परिवार चार परिवार को परेशान और तंग करता है, उनके जो खान पीन रहन सहन है हमारे से बिल्कुल मेल नहीं करते। हम सनातन हिंदू धर्म में हम तो अगर रास्ते में चींटी भी है तो प्रयास ये करते हैं कि उस पर पैर न पट जाए, कोई जीव जंतु मर ना जाए। कौन से क्षेत्र है जहाँ पे इस तरह का जिहाद फैल रहा है? देखिए योगेंद्रपुरी है, रामपुरम है, साकेत है, रामपुरी है, जो ये लगे हुई जो आबादी है मिश्रित आबादी है, और हमारा हिंदू समाज कहीं इनकी कॉलोनी में मकान नहीं लेता। ऐसी मुस्लिमों की अनेक कॉलोनियां हैं, डेवलप भी है, अनडेवलप भी है, आपको अगर मकान खरीदने तो वहां जाए। ये जो हिंदुओं में घुसकर मकान खरीदे जा रहे हैं ये कोई सुनियोजित षड्यंत्र है, इसका खुलासा होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन से हमारी मांग है और अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हिंदू संगठन उसका इलाज भर देंगे जो जिहादी विधर्मी हिंदू बस्ती में घुसने का प्रयास करेगा। अभी अधिकारियों से मिलेंगे, सूचित हमने कर दिया है, मोहल्ले वालों की एक मीटिंग थी। आपके बाद किस तरह का जिहाद? ये लैंड जिहाद है, सुनियोजित तरीके से की गई एक साजिश है जिसमें देश विरोधी ताकतें फंडिंग कर रही है और इसका खुलासा होना चाहिए, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तरह के परिणाम हो सकते हैं? ये बहुत खतरनाक परिणाम की ओर इशारा कर रहा है और हम सभी हिंदू संगठन में संयोजक होने के नाते एक आवश्यक बैठक की जाएगी और उस पर रणनीति बनाकर उसके तहत कार्य किया जाएगा और जो ऐसे विधर्मी हिंदू बस्ती में घुसने का प्रयास करेंगे उनसे उनकी भाषा में ही निपटा जाएगा। वही कार्य सब चल रहा है, लेकिन हम यहाँ फिलिस्तीन और इसराइल जैसी घटना नहीं होने देंगे, इसके लिए हिंदू संघर्ष हिंदू संगठन सभी एक। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।